श्रीनगर के नवागदल में मंगलवार को हुई आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारा गया आतंकी जुनैद सहराई ने एक जमाने में कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमबीए की तालीम हासिल की थी। 2010 में एक पत्थरबाजी की घटना में नामजद होने के 10 साल बाद मंगलवार को जुनैद का अंत हो गया। कभी कश्मीर में देश विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जुनैद ने साल 2017-18 के बीच आतंकी राह चुनी थी। इसके बाद वो कई आतंकी साजिशों का हिस्सा भी रहा। जुनैद हुर्रियत चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान का बेटा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपने 6 भाई बहन में सबसे छोटे जुनैद का नाम सबसे पहले 2010 में हुई एक पत्थरबाजी की घटना में आया था। जुनैद अपने पिता अलगाववादी नेता अशरफ खान की मदद करना चाहता था और इसीलिए उसने भारत विरोधी अभियानों का हिस्सा बनना कबूल किया था। इसके लिए जुनैद ने अपनी नौकरी छोड़कर कश्मीर में वापसी की थी। जी हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले जुनैद ने आतंक का रास्ता चुनने से पहले 2 मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी भी की थी। साल 2018 के मार्च महीने में जुनैद अचानक से अपने घर से लापता हो गया था, जिसके अगले ही दिन अशरफ शहराई ने पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ वक्त बाद ही जुनैद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वो AK-47 राइफल के साथ दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार जुनैद ने इसी वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ थाम लिया था और इसके साथ उसने कई आतंकी साजिशों की प्लानिंग भी की। माना जाता है कि जुनैद के आतंकी रास्ते पर उसका साथी हिजबुल का कमांडर मन्नान वानी बना था, जिसे साल 2018 में कुपवाड़ा की एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। न्यूज़ डेस्क।